और जौनपुर का रुख करेंगे, जहां पुलिस बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी है। आरोपी के कब्जे से सामान भी बरामद कर लिया गया है। मोबाइल, दो तमंचे और कारतूस भी जब्त हुए हैं। बरसठी और थाना महेड़ाऊ ने कार्रवाई की। मोबाइल, दो तमंचा और कारतूस जब्त। तो बता दें आपको कि जौनपुर में ये एनकाउंटर हुआ पुलिस बदमाशों के बीच में। कई मामलों में बदमाश संलिप्त था, जिसकी लंबे समय से पुलिस कर रही थी तलाश। मुठभेड़ के दौरान बदमाश पकड़ा गया। उसके पास से मोबाइल फोन्स, दो तमंचे और कारतूस भी जब्त हुए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के नेतृत्व में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए अभियान के क्रम में थाना परिषदी अंतर्गत बड़ेरी पुलिस चौकी में दसवीं बारी गांव में चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी मड़ियाहू, थाना प्रभारी बरसठी, उनकी संयुक्त टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस को लक्ष्य करके फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दो बदमाशों के पैर में गोलियां लगी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान राम मूरत गौतम निवासी सिमरीडी थाना मीरगंज एवं प्रशांत मौर्या निवासी सिमरीडी थाना मीरगंज के रूप में हुई। तो पुलिस और बदमाश के बीच में एनकाउंटर जौनपुर में हुआ और ये बदमाश लंबे समय से संलिप्त था। इसके पैर पर फायरिंग कर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से सामान भी जब्त हुआ है।